नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। देवी दुर्गा का ये दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं और परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी की है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। ये देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इस देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। देवी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा का विधान इस प्रकार है। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराएं व देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उनमें से एक अंश उन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर उन्हें प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, दशदिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। इसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं और फिर भांति भांति से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को लाल फूल काफ़ी पसंद है। घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवर्षि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें मनोवांछित वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप ये देवी भगवान भोलेनाथ की वामिनी अर्थात पत्नी बनी। जो व्यक्ति आध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं उन्हें इस देवी की पूजा से सहज ये सब प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से प्रसन्नता, सुख, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। कहते हैं कि भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया।